हेलो दोस्तों, मैं जोगेंद्र अंदर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पांडे जी टेक्निकल में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो ये है आयन मंडल। आपको पता होगा कि वायुमंडल की चार परतें हैं, स्तरमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। ये चारों वायुमंडल की परतें हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेजेन थॉम्सन ने, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक खोज ये थॉम्सन ने की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, पादप और सूक्ष्म जीवी किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? यानी कि पादप जो होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, ये किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? देखिए, ये सहायता करते हैं वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। ये आपको पता होगा कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन हमें देते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा, यानी कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता सुधारते हैं ये। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? ये देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जर्मेनियम सामान्यतः है क्या चीज, अर्धचालक, सुचालक, कुचालक या शीतलक के रूप में। ये देखिए, जो जर्मेनियम है ये अर्धचालक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्लोरा और फूना किससे संबंधित है? यानी कि जो फ्लोरा और फूना दो नाम आप देख रहे हो, ये इनसे आप क्या समझ पाते हो, ये क्या चीज है? तो देखिए, ये है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि पौधे और जंतु। यानी कि जो फ्लोरा है वो पौधा है और जो फूना है ये जंतु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि ध्वनि की गति से भी तेज गति किस गति की है? तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। यानी कि जो आपने नाम तौर पर नाम सुना होगा मिसाइलों का, सुपरसोनिक मिसाइल, यानी कि उसका ये मतलब होता है कि वायु की ध्वनि से भी तेज गति से चल पाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? यानी कि किसी पदार्थ में क्या उपस्थित होता है कि वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली ट्रैवल कर पाती है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसीलिए इसका उदाहरण भी देते हैं कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए वो विद्युत का सुचालक है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग कितना होता है? देखिए, पलायन वेग का मतलब ये होता है कि अगर आप किस गति से पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकोगे तो वो आप वापस आपके पास नहीं आएगी, तो वो गति है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि इस गति से आप फेंकोगे तो आपके पास वस्तु नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? यानी कि जो मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो किस जगह पे उपस्थित होती है? तो ये उपस्थित होती है मस्तिष्क में। ठीक है, और मस्तिष्क में एक ग्रंथि और होती है, उसके नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की तरह ही काम करते हैं उसको और क्या कहा जाता है? तो वो उसको कहा जाता है ऑप्शन सी, यानी कि पॉजिट्रॉन। रंगों का कौन सा समूह प्राथमिक रंग कहलाते हैं? यानी कि रंगों का कौन सा समूह है उसको प्राथमिक रंग बोलते हैं? तो देखिए, वो रंग है लाल, हरा और नीला, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल रंग की और सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी रंग की, आप ये भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है,
इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी कि देखो, पहला जो है बैटरी, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? यानी कि कौन सा जीव जो है कि पानी में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वो छोड़ता है फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि मछली का जो हृदय होता है वो कितने कक्ष का होता है? तो देखिए, वो कक्ष होते हैं उसमें दो। ठीक है, और अब अगर आपसे कोई पूछे कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव के हृदय में चार कक्ष होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जो आपका गीला कचरा होता है उसको खाद बनाने की प्रक्रिया, यानी उसको क्या कहा जाएगा? देखिए, उसको कहा जाता है कंपोस्ट। आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान होते हैं वो गोबर से खाद बनाते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यानी जो आपका लोहे पर जंग लग जाता है वो किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, इलेक्ट्रिक परिवर्तन या गैसीय परिवर्तन? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लोहे पर जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ेगा या घटेगा? तो आपको पता होगा कि अगर लोहे पर जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है, ना कि घटता है। मानव शरीर की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? यानी कि जो मानव शरीर की सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बाहरी त्वचा, यानी कि इंग्लिश में एपिडर्मिस बोला जाता है। ठीक है, जो आपका जो चमड़ा होता है वही है मानव शरीर की सबसे ऊपरी परत, यानी कि एपिडर्मिस। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक जमीन की तरफ नीचे गिर जाए, वो किसका उदाहरण है? तो आपको पता होगा ये उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण के नियम का। ऐसे ही न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे, यानी सेब के पेड़ के नीचे, तब सेब गिरा, तब तब उनको ये आभास हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपालन किया। अगला प्रश्न है, हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित है? यानी कि हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की? देखिए, ये खोज की ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडियोधर्मिता की खोज की। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा रक्त का एक घटक है वो क्या है? यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का घटक है, तो क्या है? तो वो है द्रव, यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड की तरह होता है। अगला प्रश्न है, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का यंत्र है? देखिए, राइनोस्कोप से हम नाक की जांच करते हैं कि नाक हमें टेढ़ी है कि सीधी है। अगर आप सर्जन के पास जाओगे तो जो अगर आपके नाक में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी से चेक करेगा, यानी किससे चेक करेगा? राइनोस्कोप से चेक करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? यानी जो टिंडल प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है प्रकीर्णन से, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन से टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वो कौन सी अभिक्रिया है? यानी कि जिस भी अभिक्रिया से आग निकले या ऊष्मा निकले, आप में से हीट निकले, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो वो अभिक्रिया होगी ऊष्मा छेपी, यानी कि छेपी से आपको ऊष्मा निकालने का आ रहा है। अगर एक और क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें आपकी ऊष्मा सोखे, तो वह है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य को क्या कहा जाता है? यानी कि दो बिंदुओं के बीच में कितने ऊर्जा पास हुई, इसको क्या कहा जाएगा? उस कार्य को, उसको कहा जाएगा विभवांतर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के एक संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? यानी कि जब जो आपकी भोजन नली है वो फूले चाहे पचके, उसको क्या कहा जाएगा? तो
उसको कहा जाए क्रमाकुंचन गति, यानी कि फूलना और पचकना को क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? अगर आपको समुद्री जीव का स्वास्थ्य जांच करना है कि वो ठीक है कि बीमार है, तो उसको जांच करने के लिए क्या मापा जाएगा? तो वो मापा जाता है कि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन, यानी कि पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है उसकी मात्रा मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सी गैस स्ट्रेंजर गैस है? तो ये है जिनोन। ठीक है, ये कौन सी गैस है? ये है जिनोन गैस। अगला प्रश्न है, हाथी भालू और गैंडा किसके उदाहरण है? यानी जो हाथी भालू और गैंडा वो क्या हैं? ये स्तनपाई हैं, कशेरुकी हैं, या उभयचर हैं, यानी इनमें से कोई नहीं है। आपको पता होगा कि हाथी भालू और गैंडा ये अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, तो ये स्तनपाई हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? यानी कि प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको मापते हैं ओम से। ठीक है, ओम का सिंबल है ये वाला। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। तो यहीं तक हमारा आज का साथ रहा, धन्यवाद।